नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल, आप देख रहे हैं रोड तक न्यूज। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और सुबह होने के बाद भी हम लोग लग चुके हैं अपना काम में, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं अपना ये गाड़ी ले करके, और खाली भी हो रहा है गाड़ी, देख सकते हैं। मशीन लग चुकी है फोर्कलिफ्ट, और ये भैया खाली भी कर रहे हैं। देखिए कितना हाइट पे उतार रहे हैं, उधर ले जा कर रखेंगे। और ये एक ठो रहेंगे और एक ठो रहेंगे। ये एक सीलिंग है, सीलिंग बोलिए तो, जो छत के नीचे, गांव देहात में तो नहीं लगता है लेकिन टाउन में, शहर में ज़्यादा लगता है न भैया। छत के नीचे जो लगता है सीलिंग, वही है। तो शहर में ज़्यादा लगता है, गांव देहात में तो ऐसे ही आदमी के पास इतना कहाँ पैसा है जो इतना खर्चा करेगा। लेकिन ये लाखों लाखों में आता है। इसका कीमत बता दें तो मैं गाड़ी पर लोड किया था करीब 55 लाख, 55 लाख का मेरे गाड़ी में सीलिंग था। तो ये हम लोग, सही बात है, गरीब आदमी के बस का बात नहीं है, छत कैसे भी लिंटर हो जाए वही बड़ी बात है, सीलिंग लगाना की तो बातें छोड़िए। गरीब के लिए सीलिंग नहीं है, लेकिन जो छत लिंटर हो जाता है उसके बाद से जो लगता है वो सीलिंग होता है। तो यहाँ पे मेरा गाड़ी फाइनली खाली हो रही है, 4-5 दिन हो गया था, टायर फटा था, वो मैं आपको दिखाया था। कुछ भैया लोग बोले थे कि आपका टायर फट रहा है तो आप क्यों ये बता रहे हो। दोस्तों, बताना का कोई वो मतलब नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सब लोग जाने ड्राइवर का ज़िंदगी क्या होता है, और ड्राइवर लोग कितना परेशान, देख सकते हैं। मैं इसे गंजी में फटा हुआ गंजी पहन करके और मैं काम करता हूँ। हालांकि मैं चाहता तो नया कपड़ा खरीद सकता हूँ दोस्तों, अच्छा पहन सकता हूँ सूट बूट, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है क्योंकि हम लोग का टाइम ही टेबल नहीं है। हमें एक वीडियो में बताया था कि ड्राइवर भाई, कोई भी एक तो टाइम टेबल बनाइए, टाइम से आप लोग गाड़ी चलाइए, टाइम से खाइए और टाइम से सो जाइए, जब नींद लगे तो बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाना है। तो भैया नाराज़ हो गए थे, बोल रहे थे कि ये सब तुम क्या डालते हो वीडियो में कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। दोस्तों ये सब सही बात है, सबके किसके पास टाइम है, लेकिन अगर टाइम हो तो प्लीज़ देखिएगा कि आखिर ड्राइवर का ज़िंदगी क्या होता है। एक लेबर आदमी को दिखा दे रहा हूँ कितना अच्छा से अपना कपड़ा पहन के कर रहा है, लेकिन एक तो मैं दिखा दे रहा हूँ अपने आप को, तो देखिए मेरा क्या हालत है। मेरा हालत आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कपड़ा ख़रीदने के लिए या कपड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन दोस्तों समय नहीं मिलता है क्योंकि गाड़ी भी टाइम से पहुँचाना है, टाइम से खाली करना है, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता है। बात कपड़े की नहीं है, बात टाइम की है। तो दोस्तों मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा क्योंकि इधर मेरा देख सकते तिरपाल उरपाल सब चपटा गया था और 4-5 तिरपाल हो गया था। तो ये बहुत ही बारीकी से काम यहाँ पे होता है। गाड़ी एक तो उधर वो रख रहे हैं, उधर से दूसरा गाड़ी ले जा रहा है दोस्तों। इधर से ये गाड़ी ले जाएगा, गाड़ी से वहाँ रखेगा, और वहाँ से दूसरा एक तो ऐसा वाला गाड़ी है जो वो अंदर गोडाउन तक रखेगा। बहुत ही बड़ा गोडाउन है, कलकत्ता दानकुनी में है, लेकिन टाउन के लिए है दोस्तों। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये गांव देहात के लिए नहीं है। लाखों लाखों का सीलिंग लगाना घर में, हम लोग कैसे भी एक तो छत डाल देते हैं, उसी में हम लोग गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि छत ही डालने में हालत ख़राब हो जाता है, कहाँ से कोई सीलिंग लगाएगा फिर छत के नीचे। वो सो पीस के लिए होता है, छत के नीचे सीलिंग लग जाता है तो अच्छा लगता है, बढ़ जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं भी अब ब्रश करूँगा, नहाऊँगा खाऊँगा, हालांकि अभी नहाऊँगा नहीं, लेकिन ब्रश करके नाश्ता ज़रूर करूँगा। तो वीडियो मेरा कैसा लगा आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ऐसा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।